हमारे चैनल पर बहुत से व्यूअर्स हैं Redmi K20 एंड Redmi K20 Pro के, और रेगुलर कमेंट मिलता रहता है कि Redmi K20 Pro एंड K20 में MIUI 13 का अपडेट कब मिलेगा। सो इसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi K20 एंड Redmi K20 Pro की रिगार्डिंग। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस डिवाइस को MIUI 13 का जो ऑफिशियल अपडेट है वाया OTA वो देखने को कब मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत से लेटेस्ट डिवाइस हैं जिसको यहाँ पर क्वार्टर वन यानी कि जैन से फैब के अंदर में MIUI 13 का अपडेट मिलने वाला है। इसीलिए बहुत से लोग K20 एंड K20 Pro के बारे में पूछते हैं। अगर मैं अपडेट के बारे में बताऊं अभी करेंट, तो वो है 12.5 का सीरीज़। दोनों ही डिवाइस में देखने को मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 11 है और फ़ोन का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बस बैटरी बैकअप थोड़ा सा डल हो गया है क्योंकि यहाँ पर फ़ोन काफ़ी ओल्ड भी हो गया जिसकी वजह से बैकअप यहाँ पर कम हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आप OTA में वेट कर रहे हैं ऑफिशियल तरीके से कब मिलने वाला है, तो मैं आपको सभी कुछ बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया हुआ है तो मैं वो भी बता दूंगा कि आप बीटा रोम या फिर चाइना रोम आप अभी भी इसको अपडेट कर सकते हैं। बहुत से कस्टम रोम भी है जो MIUI 13 के जैसे हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर MIUI 13 के जो स्टेबल अपडेट के लिए जो लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब वेट कर रहे हैं कि हाँ उनके डिवाइस में वाया OTA उनको कब देखने को मिलेगा, वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं अभी बताने वाला हूं। तो यहां पर जो लेटेस्ट डिवाइस है उनमें MIUI 13 का अपडेट देखने को मिला है, जिसमें से MIUI 13.0.2.0, 13.0.5.0 और कई कई डिवाइस को यहाँ पर जो चाइनीज़ रोम है उसको भी देखने को मिला, जैसे मी का 11X जो चाइनीज़ वाला फ़ोन लिए हैं उनको यहाँ पर OTA में वो रोम देखने को मिल गया है। फीचर्स बहुत सारे हैं, मिलते जुलते फीचर्स हैं 12 से रिलेटेड, लेकिन कुछ अपग्रेडेड भी यहाँ पर फीचर्स किए गए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपने देखा। बट यहाँ पर चाइना का जो रोम है उसको आप इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार चाइना के अंदर जो फीचर्स होता है वो जब स्टेबल अपडेट इंडिया में आता है तो वो फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 13 का जो एक चाइनीज़ रोम का भी अपडेट आपको बीटा का देखने को मिलता है, वही से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट यहाँ पर जो रिलीज़ हो चुका है वो है हमारा फाइनल लोगो जो कि है MIUI 13 का, और कुछ इस तरह का दिखता है MIUI 13 का ऑफिशियल लोगो। तो अब मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। जो लिस्ट निकल कर आया है क्वार्टर वन के अंदर जैन से फैब के बीच में, उसमें हमारा Redmi K20 जो प्रो डिवाइस है और Redmi K20 है उसका नाम शामिल नहीं है, और ना ही सेकेंड बैच में इसका डिवाइस का जो नाम है वो शामिल है। तो इसको फाइनली अपडेट कब मिलेगा? तो इस डिवाइस को Redmi K20 सीरीज़ को इसको यहाँ पर अपडेट मिलेगा इसके यहाँ पर अपडेट नंबर 3 यानी कि इसके बैच नंबर 3 के अंदर, जो थर्ड इसके डिवाइस थर्ड बैच होंगे इसके फर्स्ट सेकेंड के बाद, थर्ड बैच में Redmi K20 सीरीज़ को अपडेट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैच में जो लेटेस्ट डिवाइस अभी रिलीज हुए हैं उनको मिलेगा, सेकेंड बैच में यहाँ पर Redmi K40, K30 और Redmi Note 10 सीरीज, 11 सीरीज उनको अपडेट देखने को मिलेगा, और इन सब अपडेट के बाद यहाँ पर जो थर्ड बैच होगा जो कि यहाँ पर अप्रैल 2022 में होगा उसको यहाँ पर Redmi K20 में ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगा। तो अभी भी आपको ऑफिशियल OTA अपडेट के लिए कम से कम 4 महीने का वेट करना होगा, तभी जाके आपको ये अपडेट आपके OTA में देखने को मिलेगा। अगर कोई ये बता रहा है कि आपको जैन से फैब के बीच में OTA अपडेट मिल जाएगा वाया OTA, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको कम से कम 4 महीने वेट करना होगा, अप्रैल में आपको इसका अपडेट मिलेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ और भी ओल्ड डिवाइस है उनको भी अप्रैल के बाद ही अपडेट देखने को मिलेगा, जो लेटेस्ट डिवाइस है उनको जैन से फैब के बीच में अपडेट मिलेगा, वो भी कुछ एक डिवाइस को, सभी को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।